दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था इस वाले मॉड्यूल में नेगेटिव साइड की वोल्टेज नहीं बढ़ रही थी और पॉजिटिव साइड की वोल्टेज बढ़ रही थी, तो उसके लिए ये जो पीछे लगा हुआ बोर्ड है जिसमें LM311 IC लगा होता है, इसमें प्रॉब्लम निकली। तो उसको हमने चेक किस तरीके से करा, किस तरीके से हम उस पॉइंट तक पहुँचे, उसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा आपको ये सर्किट मैंने बना दिया है ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से चेक मैंने किया था। इसके लिए दोस्तों ये जो है ये वाली प्लेट लगी हुई है उस मॉड्यूल में, इसका ये वाला जो आईसी है ये ख़राब निकला है, उसका आईसी ये वाला है ख़राब वाला, ठीक है। ये नया आईसी है सही वाला, तो सही वाला नया आईसी मैंने उस मॉड्यूल में लगा दिया। उस मॉड्यूल को ये वाली प्रॉब्लम जो थी नेगेटिव सप्लाई नहीं बढ़ रही थी वॉल्यूम बढ़ाने पर, तो वो प्रॉब्लम मैंने उसकी अभी सॉल्व कर दिया है। तो ये किस तरीके से मैं इस पॉइंट पे पहुंचा उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये मॉस्फेट लगा हुआ है, पैरेलल में लगे होते हैं दो, और दो पैरेलल में ये वाले लगे हुए हैं, ये वाले दो पैरेलल में लगे हुए हैं, दो ये लगे हुए हैं। ये वाले दो जो लगे हुए हैं ये मीडियम सप्लाई के लिए हैं और ये वाले जो है हाई वोल्टेज के लिए हैं, क्योंकि इस वाले बोर्ड एम्पलीफायर में 3 स्टेप सप्लाई होती है। तो सबसे पहले लो सप्लाई तो सीधा फ्यूज पे आ जाती है, फ्यूज से मॉड्यूल पे आ जाती है, दूसरी सप्लाई जो होती है वो वॉल्यूम बढ़ाते हैं तब जाके इस मॉस्फेट पे आती है और मॉस्फेट से फ्यूज पे आती है, फ्यूज के बाद में और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इस वाले मॉस्फेट पे कुछ सिग्नल मिलता है इसके गेट पे, तो ये और ज़्यादा वोल्टेज को इस मॉड्यूल को देता है, इस फ्यूज पे देता है और इससे मॉड्यूल पे पहुंच जाती है सप्लाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर पाया उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी कभी इस तरह की कोई कंडीशन आए तो आप उसे तुरंत रिपेयर कर पाएँ। दोस्तों मैंने इसकी ये वाली रेजिस्टेंस पहले मैंने चेक करी, तो ये जो रेजिस्टेंस थी ये पूरी तरीके से 270 के की रेजिस्टेंस पूरी तरीके से लगे लगे में मैंने चेक करी थी, तो ये ठीक नहीं बता रहा था ठीक। पर इसी प्रकार मैंने इसका ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये इसके 1 और 2 के बीच में लगी हुई है, तो जब मैंने इसको रेजिस्टेंस को निकाल दिया, निकालने के बाद में मैंने इसी पॉइंट पे फिर से चेक करा था, उतने ही रीडिंग दे रहा था। तो फिर मैंने इसको ट्रेस किया, ट्रेस करते करते मैं यहाँ पर पहुँचा 2 नंबर पिन पे, तो 2 और 3 में भी कुछ रेजिस्टेंस मेरे को मिल रही थी जो कि नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो इसमें आईसी लगा हुआ था इसके पिन नंबर 1 और 2 पर कुछ रीडिंग मिल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ जो नहीं मिलनी चाहिए। ये देखो 237 ये 130 रीडिंग बता रहा है, ठीक है 1 और 2 पर। और ये नया आईसी है इसमें देखो क्या रीडिंग देता है, ये देखते हैं, इसमें दे रहा है 0 और इसमें दे रहा है 115-16 या जो भी रीडिंग, मतलब रीडिंग नहीं देनी चाहिए इसमें दे रहा है। अगर हम इसके मीटर लीड को पलट के लगाते हैं तो भी ये रीडिंग वहीं दे रहा है, उतनी ही दे रहा है लगभग, अप डाउन कर रहा है और इसमें कोई रीडिंग नहीं है। तो इस आईसी को रीडिंग नहीं देनी चाहिए, तो इस कंडीशन में ये आईसी इसका ख़राब माना हमने और ये वाला आईसी ओके है। ये वाला आईसी मैंने नया उसमें मॉड्यूल में लगा दिया है, तो मॉड्यूल
तो ओके हो गया है। तो अब मैं इसकी तार लगा के आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना जा रहा हूँ, मैं इसको एक बारी ऑन भी कर देता हूँ जब तक ये ऑन होता है। ये मैंने इसको ऑन कर दिया है, बल्ब जल के धीरे धीरे बुझना शुरू हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने ये वाली रेजिस्टेंस निकाल दी थी इसकी, तो उसके बाद मैंने जब दोबारा ये रेजिस्टेंस लगा दी थी, तो लगाने के बाद में और ये आईसी भी नया लगा दिया, तो उसके बाद में ओके हो जाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कुछ एक प्रॉब्लम और मेरे को नज़र आने लगी। तो पहले तो ये ओके हो गया, इसका मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। अब जैसे कि इस वक्त इसकी ये पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, एक मिनट, ये जरा रीडिंग गलत पे था। ये देखो 53 वोल्ट पॉजिटिव आ रही है, और इधर को आ रही है 53 वोल्ट नेगेटिव, ये आ रही है लो सप्लाई। अब मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसको मैंने 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ाकर फिर देखता हूँ बढ़ती है या नहीं। दोस्तों ये देखो 73 वोल्ट हो गई, ठीक है। ये 73 वोल्ट के आसपास ये रुक गया, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, जो जब सप्लाई इसकी नहीं बढ़ रही थी। ये देखो, ये मैंने वॉल्यूम बढ़ाई, ये और बढ़ाई, ये और बढ़ाई, ये और बढ़ाई, ये पहुंच गया आपका 90 वोल्ट तक पहुंच गया, ठीक है। और ये वाला जो है ये पहुंच रहा है 72 वोल्ट तक। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसका ये वाला बोर्ड था, ये आई से लगाने के बाद में जो नेगेटिव साइड का था बोर्ड, ये हमारा ओके हो गया है। पॉजिटिव साइड का जो था, इसमें मीडियम वोल्ट तक तो ये सप्लाई ओके दे रहा है, मीडियम वोल्ट जो है ना ओके दे रहा है ये। इसके बाद जो और इसको बढ़ना चाहिए, जैसे यहाँ पर जो है 71 आ गई और यहाँ पर आ रही है उस कंडीशन में 79, मतलब 80 वोल्ट आ रही है ये समझ लो। और थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चलो ये लो, ये आ गई है यहाँ पे 82 वोल्ट, और इधर आ रही है 70 वोल्ट, 12 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। मतलब इसकी वोल्टेज आगे बढ़ने रही है, मतलब मीडियम वाली जो सप्लाई है वो इसकी काम कर रही है, इसकी काम कर रही है, और इसकी मीडियम के बाद में हाई वोल्ट भी काम कर रही है, इस वाले की हाई वोल्ट काम नहीं कर रही। तो अब इस वाले बोर्ड के अंदर, इस वाले बोर्ड के अंदर हाई वोल्ट वाली सप्लाई को भी मुझे चेक करना पड़ेगा, और हाई वोल्ट को भी पूरी मेरे को सही जगह पे लाना पड़ेगा। तो उसमें अब इसमें पॉजिटिव वाली साइड का फॉल्ट ओके करना पड़ेगा। तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, तो उसमें उसके अनुसार नेगेटिव साइड की सप्लाई नहीं बढ़ रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अब ये और आगे बढ़ने पर हमें पता लगा कि पॉजिटिव साइड की हाई वोल्ट भी काम नहीं कर रही, क्योंकि जब तक मीडियम वाली सप्लाई काम नहीं करेगी तब तक हाई वोल्ट काम नहीं करती, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने फोटोस्टेट निकाली है इसकी बोर्ड की। तो इसमें अगली वीडियो में मैं इसकी ये जितने भी पॉइंट बने हुए हैं इनकी सबकी सप्लाइयाँ नाप लूँगा और सबकी सप्लाइयाँ इसके ऊपर लिख दूँगा। तो जिस किसी को, मेरे भाई को ये वाला सर्किट चाहिए होगा, तो मैं 50 रुपये में आप लोगों को दे दूँगा, क्योंकि इसको फोटोस्टेट निकालने में ये कंप्यूटर से निकलती है, तो उसमें मेरा खर्चा लगता है, इसलिए इसको मैंने निकाल लिया। अब इसकी वोल्टेज वगैरह भी नाप दूंगा, वोल्टेज कहाँ से कहाँ जा रही है ये सारा कुछ मैं उसमें बता दूंगा, और
अगर ये वाला सर्किट आपको किसी को चाहिए होगा, और अगर आपको कलर में चाहिए होगा तो कलर थोड़ा महंगा पड़ेगा, वो 100 रुपये में मिलेगा, और ये ब्लैक एंड वाइट में लोगे तो 50 रुपये में आपको दे दूंगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें मैं आपको इस वाली प्लेट की पॉजिटिव सप्लाई जो हाई वोल्ट काम नहीं कर रही, वो उसमें क्या प्रॉब्लम निकली, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।